हेलो बेसिक नर्ड्स, आज हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में जिन्हें थॉर ने यूज किया है। और यहाँ पर हम मेओनीर को शामिल नहीं करने वाले हैं बिकॉज ये उसका प्राइमरी वेपन था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि स्पेशली एस्गार्ड के किंग का प्राइमरी वेपन होता है, जिसे नेडाविलियर के बोनो ने क्रिएट किया हुआ था। ओरिजिनली ये वेपन एस्गार्डिंग किंग के लिए नहीं बल्कि बीटर रेबिल के लिए बनाया गया था, जिसने थॉर को भी हराया था। और इस वेपन को खुद ओडिन ने ही बीटर रेबिल को दिया था, बट मूवी में इसकी ओरिजिन को चेंज कर दिया गया है, जहां ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। इसने छह इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड एनर्जी को भी ओवर पावर किया हुआ, साथ ही साथ थानोस के आधे आर्मी को भी साफ किया हुआ है। और तो और थानोस की छाती को भी फाड़ के रख दिया था, जहां बायफ्रॉस्ट तक को समन कर सकता है, जिससे पूरे प्लेनेट को भी तबाह किया जा सकता है। नंबर टू, फ्रॉगनीर। देखो, कॉमिक के एक इवेंट में जब लोकी ने थॉर को एक मेंढक यानी कि फ्रॉग में कन्वर्ट कर दिया था, और इस चीज को लोकी के एपिसोड्स में भी दिखाया जाने वाला था, बट इसे कट कर दिया गया था, जिसे सीजन 1 के एपिसोड 5 में टीज भी किया गया था। और थॉर के इसी फ्रॉग वाले वर्जन के लिए स्पेशली एक छोटा सा म्योलनीर बनाया गया था, जिससे कि वह खुद को बिल्लियों और चूहों से प्रोटेक्ट कर सके। नंबर थ्री, डिस्ट्रॉयर आर्म, जो कि ब्लैक ओरो से बना हुआ था। एक बार जमेलिके से फाइट करते हुए थॉर अचानक से किसी कारणवश अनवर्दी हो जाता है, तभी इस मौके पर वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाता है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए मेलिकित थॉर का हाथ काट देता है, जिसके बाद नेडविलियर के बॉन ने उरुमेटल से बना हुआ एक हाथ बनाते हैं, जो कि थॉर के हाथों में फिट किया जाता है। इसकी वजह से थॉर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिससे कि थॉर के अटैक्स का भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। नंबर फोर, लाइट ब्रिंगर, जिसे गॉड एम्परर डूम ने बनाया हुआ था। बेसिकली ये वेपन एक टूटते हुए तारे का हिस्सा है, जिसे खुद गॉड एम्परर डूम ने उस तारे से तोड़ लिया था। और कॉमिक के ज्यादा इवेंट्स में इस वेपन का जिक्र किया ही नहीं गया है। एमसीयू के म्योलनीर तरह ही इसकी ओरिजिन दिखाई गई है, क्योंकि एमसीयू का म्योलनीर भी टूटते तारों की धातु से बना हुआ है, जिसे हम उरु नाम से जानते हैं। नंबर फाइव, जॉब जॉर्नीर। अब शायद मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये एक एक्स है, जिसे थॉर सबसे पहले यूज किया था म्योलनीर और स्टॉर्म ब्रेकर से भी पहले। ये एस्गार्डियन स्टील से बना हुआ एक वेपन था, जो इतना कैपेबल था कि थॉर इसका यूज करते हुए एक ही बार में कई सारे फ्रॉस्ट जायंट को आराम से मार देता था। पहले थॉर इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया करता था, पर जब से थॉर को म्योलनीर की प्राप्ति हुई है, तब से थॉर इस वेपन को भूल सा गया। नंबर सिक्स, अल्टीमेट म्योलनीर, जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स का ही थॉर का वेपन है, जिसे अल्टीमेट म्योलनीर नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल एमसीयू के स्टॉर्म ब्रेकर की तरह ही लगता है। और ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल एंड कैपेबल है कि इसने कॉमिक के अंदर सेलेस्टियल आर्मर्स तक को भी काट कर रख दिया था। साथ ही साथ ये वेपन खुद थॉर को टेलीपोर्ट कर सकता है बड़ी ही आसानी के साथ, और उस पर म्योलनीर की तरह कोई भी एन्चेंटमेंट वगैरह भी नहीं है, जिसे कोई भी लिफ्ट कर सकता है। नंबर सेवन, थंडर स्ट्राइक। बेसिकली मार्वल कॉमिक्स की मेन टाइमलाइन के अंदर एक बंदा एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है एरिक मास्टरसन, जो कि खुद थॉर का ही फ्रेंड था, और काफी टाइम तक थॉर ने इसको अपना होस्ट बनाया हुआ था। और जब थॉर ने इसकी बॉडी को छोड़ा, इसके बाद ओडिन को लगा कि ये बंदा अभी भी थॉर के हैमर यानी म्योलनीर के लिए वर्दी है, तब उसे खुद ओडिन ने ही थंडर स्ट्राइक नाम का एक वेपन दिया था, जो कि दिखने में म्योलनीर की तरह ही था, जिसका यूज करते हुए एरिक मास्टरसन को थॉर की पावर्स मिली थी, और वो भी काफी समय तक थॉर भी रह चुका है। नंबर एट, गंगनीर, जो कि ओडिन का प्राइमरी वेपन है, और इससे पहले भी यह ओडिन के पिता यानी कि बोर का प्राइमरी वेपन रह चुका है, पर कॉमिक में कई बार खुद थॉर ने भी इसका यूज किया हुआ है। और तो और, थॉर रैग्नारोक में भी थॉर इसका यूज करता है हेला से लड़ने के लिए। इस वेपन का यूज करते हुए थॉर एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, बायफ्रॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग अटैक एंड वेदर मैनिपुलेशन भी कर सकता है, साथ ही साथ इसमें टेलीपोर्टेशन की यही एबिलिटी है। नंबर नाइन, ओडिन सॉर्ड। अभी देखो यार, इतना ज्यादा पावरफुल है कि ज्यादातर टाइम इसे ओडिन के आर्सेनल में ही रखा जाता है, यानी कि ओडिन के वॉल्ट में। ये सॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी प्लेनेट को बड़े ही आराम के साथ दो टुकड़ों में काट कर रख सकती है। और तो और, इस वेपन को कोई नॉर्मल बंदा यूज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये अपने यूजर की पावर्स को भी कंज्यूम करता है, जो भी इस वेपन को वील्ड करता है। नंबर 10, ज्यूस का थंडरबोल्ट, जिसे थॉर लव एंड थंडर के अंदर खुद थॉर यूज करता है। भले ही यह ज्यूस का प्राइमरी वेपन है, यहाँ कुछ टाइम के लिए थॉर इस वेपन का यूज करता है, बाकी ज्यूस एक ओलंपियन गॉड है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसका वेपन भी काफी ज्यादा पावरफुल ही होगा। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसे लगे कमेंट बताना, और अगर तुम जानना चाहते हो कि मार्वल यूनिवर्स के 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो को चेकआउट करना। और अगर जानना चाहते हो कि सुपरमैन की हीट विजन और थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर में कौन पावरफुल है, तो इस वीडियो को चेकआउट करना। दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।